और पीटीआई भर्ती 2022 में बड़ा अपडेट सामने आया है। पीटीआई भर्ती 2022 में बड़ा अपडेट, फर्जीवाड़े को लेकर एक्शन मोड में भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भर्ती परीक्षाओं में संबंध में अहम बैठक ली गई है। शारीरिक शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए, उच्च मानक युक्त नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। निजी विश्वविद्यालयों की ओर से जारी ये निर्देश किए गए हैं। डिग्रियों की वैधानिक जांच के निर्देश दिए गए हैं कि डिग्रियों की पूरी जांच की जाए। सहयोग ना करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सच बेधड़क ने इस भर्ती प्रक्रिया में किया था फर्जी डिग्रियों के मामले का बड़ा खुलासा। और बिना एनसीटीआई से मान्यता प्राप्त डिग्री वालों को दी गई थी जॉइनिंग। और इस भर्ती में डबल डिग्री वाले अभ्यर्थी भी शामिल थे। और सच बेधड़क ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। और सीएम भजनलाल शर्मा अब इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। और सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पूरी तरीके से इस मामले की जांच की जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए। और इस मामले में अगर जो विश्वविद्यालय गंभीरता नहीं दिखाएगा उस विश्वविद्यालय के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सीएम ने दे दिए हैं। पीटीआई भर्ती 2022 में बड़ा अपडेट सामने आया है। फर्जीवाड़े को लेकर आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जिसके बाद एक्शन मोड में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भर्ती परीक्षाओं के संबंध में एक अहम बैठक हुई है, जिसमें सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल हमारे संवाददाता सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, सच बेधड़क ने जिस मुद्दे को, जिस खबर को इतनी प्रमुखता से उठाया था, अब उसे लेकर सीएम ने कड़े निर्देश दे दिए हैं। एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट ताजा नजर आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से भर्ती परीक्षाओं में जो फर्जीवाड़ा हुआ, नकल गिरोह हुआ, जो ये तमाम गिरोह सक्रिय हैं राजस्थान में, उसको लेकर लगातार एक्शन मोड में आ रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले ही साफ कर दिया था कि ऐसे तमाम गिरोह को छोड़ा नहीं जाएगा। अब आपको बता दें कि कल जो 8 जून थी उसमें जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है एक मीटिंग ली थी। इस मीटिंग में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षाओं में जो अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र हैं उसको लेकर जो है जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश है कि तमाम जो भी अभ्यर्थी हैं उनके उच्च मानक युक्त नियमों के साथ जो है जो दस्तावेजों का उनका सत्यापन किया जाए, इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग को जो है निर्देश दिए गए हैं। और जो भी निजी विश्वविद्यालय अगर इसमें सहयोग नहीं करता है, डिग्रियों की वैधता की जांच करें, इस दौरान अगर कोई निजी विश्वविद्यालय सहयोग नहीं करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं संबंधित विश्वविद्यालय को लेकर। इसी के साथ बता दें क्योंकि इस भर्ती को लेकर लगातार मामला हाईलाइट होता रहा, क्योंकि इस भर्ती में डबल डिग्री के मामले हैं, ऐसे लोगों को इस भर्ती में ज्वाइनिंग दे दी गई जिनको एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसी के साथ क्योंकि प्रेस की जब भर्ती प्रक्रिया की नोटिफिकेशन निकलते हैं तो उसमें बकायदा एक पैमाना निर्धारित होता है, तो उस पैमाने को भी जो है नजरअंदाज करके ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई जो इसके लिए पात्र नहीं थे। तो अब लगातार क्योंकि मामला हाईलाइट हुआ, सच बेधड़क ने किस तरह से इस भर्ती प्रक्रिया में बिना एनसीटी के मान्यता प्राप्त वाले लोगों को ज्वाइनिंग दे दी, इसको प्रमुखता से उठाया। इसी के साथ इस भर्ती में डबल डिग्री का मामला हमने प्रमुखता से उठाया था। तो अब जो है पूरी भर्ती हाईलाइट हो चुकी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस भर्ती में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शुक्रिया आपका कुणाल, तमाम जानकारी के लिए।